हमने सोचा था सर्किट करेंगे, बट भाई सर्किट बंद है। अबे ओ भाई साहब, अबे नीचे पत्थर कैसे जा रहे हैं स्लो मोशन में? ये खा रहे थे एक जगह बैठ के, और भाई ऊपर से पत्थर गिरने लग गए। तो अब वहां से मलबा हटेगा जैसे ही, तो वैसे ही रास्ता खुल जाएगा अपना। बाकी अभी गाने सुनेंगे, कैंदी होंदी सी लगा दो भाई, फिर इसी बात पे। नए नए पन्ने भरते वो बातें, वो रातें बने ये जो यादें, हाँ ये यादें कहीं न लम्हों। सही बात है, ये वाली फील के लिए तो आए हैं हम। थोड़ा ही डालना आंटी मेरी प्लेट में ना। आपको थैंक यू बहुत बहुत, आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया। तो ये लेक तो देख लिए, अब बारी है मोनेस्ट्री की। ये देखो, ये है नाको विलेज की मोनेस्ट्री। अभी चलते हैं, देखो शूट तो शायद अलाउड ना हो अंदर का, बट दिखाते हैं जो दिखा सकते हैं। तो यार ये है नाको विलेज की मोनेस्ट्री, एंड अंदर हम हुआ है बट शूट अलाउड नहीं था। तो बाकी ये देखो यार, बहुत पुरानी है। लम्हों के धागे से नई नई यादें। तो यार देखो, मतलब ये हम ये चटनी है। अच्छा, और ये पूरी लोकल अचार, हम तो लोकल अचार अपना लोकल डिश होता है। अच्छा अच्छा, ये आप लोग अचार जैसे खाते हैं। हाँ हाँ, समझ गए। अच्छा, थैंक यू। वाओ यार, देख रहे हो एंकर, मतलब कुछ नया ट्राई करने को मिल रहा है। एंड अभी हितेश भाई आ रहे हैं, यहाँ पे है चाय। तो यार हम जा ही रहे थे और उन्होंने अपने आप दे दिया। तो ये होता है देखो लोकल्स, मतलब आपको पता ही है ना, विलेज कहीं का भी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो हिमाचल हो, मतलब विलेजर्स का जो दिल होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है शहर के लोगों के दिलों से। तो यही बात होती है एक शहर वाले और एक विलेज वाले लोगों में, मतलब बहुत फ़र्क होता है। और यहाँ पे अलग ही वाइब्स आ रही है। अंदर शूट अलाउड नहीं था, और अंदर जो म्यूज़िक वगैरह है ना, आपको बताइए कि बुद्धिस्ट जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं, जो मोनेस्ट्रीज होती है, वहाँ पे कैसा म्यूज़िक होता है, मतलब म्यूज़िक बोलूँ या फिर भजन, जैसे हमारे में बोलते हैं हिंदू धर्म में भजन हो गया, या फिर उनकी जो पूजा वगैरह होती है वो, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल होती है और अलग ही वाइब्स थी। तो अभी ये खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो यार मतलब ये देखो यार, ये है असली नाको का सेब, मतलब देख रहे हो कलर, मतलब अलग ही कलर है यार इसका। मुझे पता वीडियो में कैसा आ रहा हो। और यहाँ पे हमें दिया है भैया ने एक गोल्डन एप्पल, ये है गोल्डन एप्पल। और सब यार मतलब प्योरिटी अलग ही चीज़ दिखती है यार, भैया इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे बन रही है चटनी, जैसे हमारे यहाँ बनती है वैसे ही यहाँ बन रही है। अच्छा, तो इसमें डले हैं टमाटर, मिर्चें डली हैं खूब सारी। रोज खाते हो आंटी जी ये चटनी? रोज कभी कभी कभी। अच्छा अच्छा, सूखा पत्ती में डालता है। अच्छा अच्छा, सर्दी तो सब सूखा के, हमारा सर्दी में यहाँ नहीं होता है ना, अब गर्मी में सब हो जाए। अच्छा, अब कुछ दिन के बाद हमारे यहाँ बहुत अच्छा गर्मी में उगता है, फिर बचा लेते हो सर्दियों। अच्छा, के लिए ये टमाटर देखो अपनी खेत का सूखा। अच्छा, तो जो मेन मोनेस्ट्री है, मतलब ओल्ड, वो ये है, मतलब 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और अंदर यार मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, अलग ही। मैंने तो भाई पहली बार मोनेस्ट्री में से आगे हम किताबों के लिए, और धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। एंड अब चलते हैं आगे। तो यार भैया से काफ़ी कुछ पता चला यहाँ के बारे में, और काफ़ी कुछ सीखा है, मतलब यहाँ पे कैसा कल्चर है। देखो बिल्कुल डिफरेंट है शहर और विलेज की लाइफ ना, इसलिए मैंने आपको बताया था कि शहर की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है ना, वो छोड़ के कभी पहाड़ों में आके ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। एक्सपीरियंसेस से ही आप सीखते हो लाइफ में आगे कुछ ना कुछ।
एंड यहाँ पे हमने बहुत कुछ भैया से जाना यहाँ की मोनेस्ट्री के बारे में। मतलब आप सोचो कि इतने साल पुरानी है, 1000 से भी ऊपर साल पुरानी, 11th century में बनी थी और मिट्टी की बनी, मिट्टी की टोटल एक रात में बनी है, एक रात में बनी है, मतलब सोचो मिट्टी का ही बना है। अच्छा, मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे यार पहाड़ों में ना। और सबसे मेन बात है कल्चर, हर जगह का कल्चर बहुत डिफरेंट होता है, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के। और मतलब मैंने अंदर देखा जैसे अंदर वाइन्स वगैरह रखी हुई है, वाइन्स की बॉटल्स वगैरह, तो मतलब वो ऐसे चढ़ाते हैं वहाँ पर, वो हमारे पूजा में लगता है ना। अच्छा अच्छा, इसलिए हमारा जरूरत होता है तो पूजा में करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो मतलब रोज चढ़ती है या फिर कभी कभी? रोज नहीं, न्यू ईयर में बता रहे थे पंडित, नहीं न्यू ईयर में तो चढ़ते ही चढ़ते हैं ना। फिर उसके बाद जो मंथली हमारे एक शिशु बोल के एक वो आते हैं ना, प्रोग्राम आते हैं जैसे, अच्छा। जैसे आज होता है ये थोक बोलते हैं ना उसको, अच्छा। उसके यानी कि जो मुझे वो मैं पहले ही बताया था आपको, जैसे जीव जंतु के सबके ऊपर जो सबके कुशल मंगल के लिए, सुख शांति के लिए, शांति के लिए, ये हर महीने में एक या दो बार होते हैं। अच्छा, उस टाइम फिर चढ़ाते हैं। सो अभी हम हैं नाको से निकल चुके थे और अभी जा रहे थे ताबो की तरफ, बट यहाँ पे भाई विंड ब्लास्ट देखो यार क्या तगड़ा चल रहा है, और आगे हो रहा है ब्लास्ट क्योंकि रोड बन रही है, तो अभी यहाँ रुकना पड़ा हमें। बट भाई इतनी तेज हवा चल रही है और डर भी लग रहा है क्योंकि तो यार कहीं से भी पत्थर वत्थर आ सकते हैं। बाकी सभी गाड़ियों को यहाँ रोक दिया गया है क्योंकि तो जैसे ही आगे से मलबा हटेगा तभी रोड खुलेगी और तभी हम जा पाएंगे। बाकी एक बार ये सीन चेक करो यार, भाई डर लग रहा है देख के, मतलब अलग ही फील आ रही है, वो पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं हमें। तो यार आगे ना बहुत खतरनाक रोड ब्लॉक हो गई है, और अभी ना हम हेलमेट पहन के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पत्थर गिरते हैं ना ऊपर से, और वो बोल रहे कि बात कर लो अगर बाइक्स निकलवा दे। वैसे मुश्किल है, हमारे बाप की रोड तो है नहीं, तो मुझे पता ही ना ही होगी, तो हमें नाकों में स्टे लेना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं देखते हैं कैसा रहता है। इन छेक में बारूद डाले जाते हैं और फिर ये ऐसे रस्सियाँ निकलती है तारे, और तारों को बांध के एकदम ऐसे पंप मारते बूम, और ऐसे भाई ऐसे ब्लास्ट होता है ना। आज तो हमने अपनी इंडियन आर्मी की फायरिंग भी देखी और भाई ये ब्लास्ट भी देखा। ये बारूद डालना है इसमें, ये अभी मारेगा। तो रास्ता ब्लॉक हो चुका है वहाँ पे। तो यार अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हालत देख लो पहले, तो कैसी हालत हो चुकी है क्योंकि मिट्टी ऐसी पड़ रही है ना, अभी वहाँ पे दोबारा से ब्लास्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पत्थर रोड पे आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आज खुले या ना खुले, तो भाई आज ताबो कल काजा जो हमने सोचा था ना वो नहीं हो पाएगा, एंड आज हम शायद हमें दोबारा से अभी वापस जाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं नाको विलेज, नाको में स्टे लेना पड़ेगा। वैसे अभी हम रुके हैं कि अगर खुल जाता है तो हम ताबो में स्टे ले लेंगे, काजा हम कल चले जाएँगे, बट देखते हैं जैसा भी होगा। बाकी अभी यहाँ रुके हैं, मैगी वगैरह बनाते हैं, हम सब सामान लेके चल रहे थे। तो देखो यार स्पीति इतना आसान नहीं होता है, ये सब चीज़ें लगी रहती है, इसलिए जब आप स्पीति आओगे ना तो एक दो दिन का बफर लेके चलना। तो यार अपनी मैगी तो हो चुकी है तैयार, और अभी ना ब्लास्ट हो चुका है वहाँ पे, वो देखो स्मोक स्मोक सा हो रहा है ना, मतलब मिट्टी उड़ रही है सारी। तो अब वहाँ से मलबा हटेगा जैसे ही, तो वैसे ही रास्ता खुल जाएगा अपना। बाकी अभी गाने सुनेंगे, कैंदी होंदी सी लगा दो भाई, फिर इसी बात पे। भाई कप में मैगी खानी पड़ रही है, और वो भी बिना चम्मच के, केंदी हुंदी सी। यही फील है यार स्पीति की। क्या हो रहा है भाई हमारे साथ, मतलब ऐसे मिट्टी मिट्टी हो चुके हैं ना, हम मैगी खा रहे थे एक जगह बैठ के और भाई ऊपर से पत्थर गिरने लग गए। तो हमने सोचा भाई इससे पहले हम कट ले निकल लेते हैं यहाँ से, नहीं तो एक आधा पत्थर गिर गया ना भाई, छोटे छोटे पत्थर भी गिर रहे थे, बट इतनी ऊंचाई से गिर रहे हैं कि सर फट जाएगा सीधा। तो हम आगे नीचे को, एंड अब हम जा रहे हैं दोबारा से नाको विलेज शायद। अबे ओ भाई साहब, तो यार जैसे कि आप सबको बताया कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है आज, मतलब रास्ता ब्लॉक हो गया और उसके बाद मतलब हम आगे नहीं जा पाए, तो हमने सोचा कि नाको में ही रुक जाते हैं। तो आज का जो हमारा स्टे है वो नाको में है, एंड ये स्टे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में। भाई बार्गेनिंग कर ले करो कहीं भी जाते हो, आंटी बोल रही थी 800-1000 रुपये, बट धीरे धीरे करते करते तो हमारा भाई ना बार्गेनिंग कर देता है, 700 भी ले आया। बाकी सही है, और मेन रोड पर यहीं से ऊपर रास्ता कटता है, और कल निकलेंगे ताबो के लिए। भाई
कल का जो हमारा प्लान है ना वो बहुत तेज होने वाला है। कल हम सीधा पहले काजा लगा देंगे, कल ताबो नहीं जाएंगे। आज का जो प्लान था वो था ताबो जाके काजा जाने का, बट यार रोड ब्लॉक है तो कुछ नहीं कर सकते, किसी की कोई गलती नहीं है, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। कल लगाएंगे सीधा काजा, ताबो नहीं जाएंगे, ताबो हम आते हुए जाएंगे। हमने सोचा था सर्किट करेंगे, बट भाई सर्किट बंद है क्योंकि मनाली वाला जो रास्ता है वो नहीं खुला है। तो अच्छा हुआ हम उस रास्ते से गए नहीं, नहीं तो पोपट कट जाता बिल्कुल। तो ना चंद्रताल खुला है तो चंद्रताल भी नहीं जा पाएंगे। तो हम स्पीति एक्सप्लोर करेंगे, जो कि मोनेस्ट्री वगैरह है ये सब, वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद हमें वापस इसी रूट से वापस जाना पड़ेगा। तो यार अभी थोड़ा सा यहाँ नाको का छोटा सा जो मार्केट है ना वो देख रहे थे, और टोपी वगैरह चेक कर रहे हैं कोई मस्त से मिल जाए, बाकी देख रहे हैं थोड़ा नई नई चीज़ें। और ये स्टिकर लिया अपनी बाइक के लिए, और बाकी तो यार ये टोपी लग तो मस्त रही है, कभी ली नहीं मैंने ऐसी टोपी, बट अब स्पीति आया तो मन कर रहा है कि फ़ोटोज़ वगैरह के लिए सही रहेगी। बाकी आंटी कह रही है बहुत अच्छी लग रही है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। आंटी वो तो आपकी बात ठीक है, मुझे अपने आपको देख के हंसी आ रही। तो यार हम रुके थे यहाँ पे, एंड जो हमारा जो हमने होम स्टे लिया था ना वो अलग है, बट ये वाला होम स्टे अलग है। तो हमको पता नहीं था कि आंटी का भी होम स्टे है, जिन आंटी से हम शॉपिंग वगैरह कर रहे थे उनकी शॉप से, बट हमें बाद में पता चला। तो हमने सोचा डिनर हम यहीं कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे सीन चेक करो, मतलब जो प्रॉपर ट्रेडिशनल मतलब जो डाइनिंग होती है ना वो ये होती है, एंड मतलब यहाँ पे ना सर्दियों में आग जलाते हैं और रोटी भी यहीं बनती है। तो ये सब ना वीडियो में देखा करते थे, बट आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत अलग चीज़ है। कितेश भाई कैसा लग रहा है? ये बोल रहे थे कि इन्हें भूख भी नहीं है, मैंने कहा भाई चलो सही बात है आंटी, ये वाली फील के लिए तो आए हैं हम। थोड़ा ही डालना आंटी मेरी प्लेट में ना। इसमें रख दिया दाल, तो रूम इसकी हीट से गर्म होता है। हाँ। इसकी हीट से पूरा रूम गर्म होता है बहुत तेज। हाँ। मैंने सोचा आप दोनों को आग जलाऊं, नहीं नहीं सोचा नहीं, था कि अभी अंदर आए तो बहुत गर्म लग रहा था। हाँ। तो फिर इसलिए सॉरी, मुझे हिंदी भी इतना अच्छा है। नहीं नहीं आपकी तो फिर भी अच्छा है, नहीं सही है यहाँ वैसे हम जैसे बोल। तो यार बाहर हो रही है बहुत ज्यादा ठंड, तो अभी चलते हैं, एंड आपको थैंक यू बहुत बहुत, आपने हमें अच्छा मौका दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। उड़ान तू फिर भर ले, अभी भी आएंगे हम, उड़ान तू फिर भर ले। तो अभी फटाफट से शूज पहनते हैं और निकलते हैं। तो यार अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अभी हम आ चुके अपने रूम पे, तो यहाँ पे अभी हम सोने वाले हैं और कल सुबह निकलेंगे भाई काजा। जो अगला व्लॉग आएगा ना भाई वो है असली स्पीति का, अभी तक ये हिमाचल ही है, किन्नौर है ये, और अब इसके आगे पड़ेगा स्पीति, मेन स्पीति, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो अभी चलते हैं सोने और मिलेंगे कल सुबह, नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।